मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी गेटेड कॉम्प्लेक्स हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास साथ ही रिच लैंडस्केपिंग स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल स्विमिंग पूल इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। मऊरानीपुर क्षेत्र में बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों ने बांध को भराव पर रोकने की मांग उठाई। उन्होंने तब तक बांध में पानी भरने के लिए इनकार किया है तब तक उनका पुनर्वास नहीं हो जाता। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन भानु के तत्वाधान में सैकड़ों किसानों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व जिले के बड़े अधिकारियों को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांग है कि सिंचाई विभाग की चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना क्रियान्वयन में उदासीनता संवेदनहीनता भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी के चलते उनके पुनर्वास की प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई है। साथ ही सिंचाई विभाग द्वारा बांध के जल भराव की जानकारी दो क्षेत्र के प्रभावित किसानों को देने से किसान सदमे में हैं। लखेरी बांध के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले प्रभावित किसानों के बच्चों को पुनर्वास की सूची में जोड़ा जाए। जिन किसानों के लड़के नहीं हैं उनकी लड़कियों को पुनर्वास की सूची में जोड़ा जाए। डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रभावित किसानों को इच्छा के अनुसार प्लाटों का वितरण किया जाए। इसके साथ 8 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री सहित जिले के उच्च अधिकारियों को भेजकर किसानों की मांग को पूरा किए जाने की मांग की। ज्ञापन में शिव नारायण सिंह परिहार शेखर राज बड़ौनिया मोनू राजेंद्र पाल प्रमोद अहरवाल सहित दर्जनों किसानों के हस्ताक्षर इस पत्र में मौजूद हैं। समस्या यह चौधरी जो आप देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना जो कि तहसील मऊरानीपुर के अंतर्गत आता है, इसमें सिंचाई विभाग का कहना है कि मैंने जो दो गांव पूर्ण रूप से विस्थापित है ग्राम बुढ़ाई और बचेरा, तो बुढ़ाई बचेरा का तो पुनर्वास हो गया लेकिन बुढ़ाई का अभी तक कोई पुनर्वास नहीं हुआ है। जबकि विभाग का कहना है कि हम पूर्ण रूप से इन लोगों को पैसा निकाल दे चुके हैं। अभी कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो मुआवजा मिला और ना ही उनके बच्चे जोड़े गए और ना ही इन लोगों के लिए कोई सड़क की व्यवस्था की गई है। क्या समस्या है यहाँ की? देखिए, सरकार द्वारा शासन द्वारा गरीब परेशान और बदहाल किसानों की जमीनों का अधिग्रहण जब सरकार करती है तो ये भूल जाती है कि हमें समय पर उनको मुआवजा भी देना है, उनके विस्थापन की व्यवस्था भी करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये झांसी जिला के अंतर्गत तहसील मऊरानीपुर का लखेरी बांध है जो चौधरी चरण सिंह के नाम से बनाया गया है। आज से लगभग 17 साल पहले से यहाँ काम चल रहा है। 17 साल पूरा होने के बाद भी आज भी इस बुढ़ाई गांव के किसानों का विस्थापन नहीं हुआ, ना उनको मकान मिले हैं और ना यहाँ के बच्चे जोड़े गए हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ा है। यहाँ भी अभी सैकड़ों लोग ऐसे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका नाम मुआवजे में नहीं जोड़ा गया। उनके रहने के लिए सिंचाई विभाग ने अभी तक आवास का निर्माण नहीं कराया। अभी खबर लगी है कि यहाँ इस बार जल भराव होगा। अगर जल भराव होता है तो ये पूरा गाँव डूब जाएगा, लेकिन शासन प्रशासन को सुनाई नहीं दे रहा है। हम कहना चाहते हैं कि किसानों का उत्पीड़न बंद करें, क्योंकि किसान जब ही तक शांत है जब तक उसकी जान पे नहीं बनी। आने वाले समय में अगर किसानों को न्याय नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, विस्थापन नहीं हुआ उनका, तो आने वाले समय में बड़ा भयंकर आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की और जिला प्रशासन की होगी, किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये आपके गांव में समस्या क्या है, इस बांध को लेकर क्या नाराजगी है किसानों में? इस बांध का निर्माण 2003
में हुआ था जिसमें अभी तक 17 साल हो गए हैं, ना ही किसानों को कोई मुआवजा दिया गया, ना ही किसानों के किसी बच्चे को जोड़ा गया है आज तक। और सबसे पहले किसानों की समस्या फेस वन से लेके फेस टू तक जो रोड देना था ना अभी तक वो दिया, और ना यहाँ पर अभी प्लाट 50% से ज़्यादा प्लाट नहीं बांटे गए। इसमें भ्रष्टाचार भी है क्या? हाँ, इसमें भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से, सिंचाई विभाग ने लेन देन के कारण दलालों को पहले जो दे दिया है उसके बाद अब किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। क्या समस्या है ये जो लखेरी बांध को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें ग्रामीणों के माध्यम से पता चला कि इस बांध का निर्माण के लिए 2003 में काम लगा हुआ था, जिसमें पुनर्वास को लेकर शासन द्वारा अभी तक मुआवजा राशि सभी किसानों को नहीं उपलब्ध कराई गई है। और अभी तक कई किसानों को यहाँ पे, जैसे ग्रामीणों से जानकारी हुई है कि यहाँ पे लगभग 50% से ज़्यादा किसानों को अभी तक प्लॉट अलॉट नहीं हुआ है। और इस साल 2020 में सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पे बांध का भराव की बात कहकर यहाँ के बुढ़ाई के किसानों को बेघर करने की बात कह दी है, और ना ही उन्होंने अभी तक उनकी कॉलोनी का डेवलपमेंट किया हुआ है। जहाँ कॉलोनी का डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे एपेक्स कार भी खाना पूर्ति है, वो पूर्णतः भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ा हुआ है। और जो शासन का लगभग 17 साल हो गए हैं, और 17 साल में यहाँ बुढ़ाई बचेरा बुढ़ाई गांव में पुनर्वास की प्रक्रिया के नाम पे भ्रष्टाचार चरम पे हुआ है, जिसकी शासन को उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जाँच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बौरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।